Hi, this is Chef Ritika. A very happy Diwali. Today, the amazing recipe that we are making is roasted almond chocolate cake. It is crunchy, it is creamy, and full of flavor. Enhance your Diwali vibe with this amazing indulgence. Let's get started with the recipe. So now let's start with the recipe. पहले हम एक sifter लेंगे and मेरे पास मैदा है. हम sifter के अंदर मैदा डालेंगे. Then I have powdered sugar. इन दोनों को हमें छानना है. छानने से जो batter है वो बहुत light हो जाएगा. This is a very simple recipe. जिसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में डालते हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में डालते हैं एंड देन दोनों को मिक्स कर लेते हैं. वी आर सिफ्टिंग दिस, जिससे जितने भी लम्स होंगे सारे वो चले जाएंगे मैदा और चीनी में से. इसको सिफ्ट करने के बाद जो लम्स बचते हैं वो हम हटा देंगे. अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, हल्का सा नमक एंड बेकिंग पाउडर. अब हम हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे. अब हम सेंटर में एक होल बनाएंगे एंड वी विल स्टार्ट एडिंग ऑल द वेट इंग्रेडिएंट्स. हम पहले डालेंगे पानी, वनीला एसेंस, ऑयल, दूध, एंड थोड़ा सा विनेगर. नाउ विल स्टार्ट एंड मिक्स इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली, जिससे सब कुछ मिल जाए एंड एक प्रॉपर बैटर क्रिएट हो जाए. अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़े से लम्स हैं तो उसको थोड़ा ज़ोर से बीट करिए एंड सारे लम्स गायब हो जाएंगे. नाउ आ बैटर इज़ रेडी और हमारे पास दो केक टिन है हाफ हाफ के जी वाले, जिसके अंदर हमने बटर पेपर को लगा के रखा है एंड हल्का सा ऑयल एंड इसके अंदर हम हमारे बैटर को पोर करेंगे. हमारा फर्स्ट पैन फिल हो गया है. अब हम इसको साइड में रखेंगे एंड दूसरा लेंगे. अगेन हमने बटर पेपर एंड ऑयलिंग कर रखी है इस पर एंड वील गो अहेड एंड पुट द रेस्ट ऑफ आ बैटर. नाउ वी हैव आ बैटर इन बोथ आ पैन्स. अब हम इसे टैप करेंगे जिससे जो भी एयर बबल्स हैं वो सारे बाहर आ जाएं. एंड नाउ दिस इज़ रेडी टू गो इन द अवन. नाउ विल गो अहेड एंड पुट दिस इन द अवन, जिसको हमने ऑलरेडी 10 मिनट के लिए प्री हीट किया हुआ है एट 180. ये 25 मिनट तक अंदर रहेगा जब तक हम इसके अंदर टूथपिक डाल के चेक करेंगे दैट इट कम्स आउट क्लीन. Now we'll let it bake for 25 minutes. So जब तक हमारा केक बेक हो रहा है we'll make the frosting. So यहाँ पर मेरे पास क्रीम है जिसको मैंने बहुत गर्म कर लिया है. इसे माइक्रोवेव किया है फॉर 1 मिनट सो दैट इट बिकम्स पाइपिंग हॉट. एंड नाउ आई हैव 200 grams ऑफ चॉकलेट, जिसको हमने छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया है. इसको हम हमारी क्रीम में डालेंगे एंड वील लेट दिस सिट फॉर एट लीस्ट 1 मिनट, जिससे जो क्रीम की गर्माहट है उससे चॉकलेट हल्के हल्के मेल्ट हो जाए. इसको अब हम मिक्स करेंगे एंड अगर इसमें चॉकलेट के लम्स हैं तो वी कैन माइक्रोवेव फॉर एटलीस्ट 30 seconds एंड अगेन बिस्किट. उससे क्रीम एंड चॉकलेट आर गोना मिक्स टुगेदर एंड विल गेट अ क्रीमी गनाश. सो नाउ हमने इसको 30 seconds के लिए माइक्रोवेव किया है एंड इसके सारे लम्स डिजॉल्व हो गए हैं एंड वी हैव गॉट अ स्मूथ एंड क्रीमी गनाश. नाउ वील कीप दिस इन द फ्रिज फॉर एटलीस्ट 10 minutes, जिससे ये थोड़ी सी थिक हो जाए एंड जब हम फ्रॉस्ट करेंगे हमारे केक को तो ये आराम से फ्रॉस्ट हो जाएगा. सो नाउ विल गो अहेड एंड पुट दिस इन द फ्रिज. सो नाउ विल चेक इफ आर केक इज़ रेडी. तो हम एक टूथपिक लेंगे एंड उसको इंसर्ट करके देखेंगे. इफ़ इट कम्स आउट क्लीन दैट मीन्स इट इज़ डन. सो हमारा केक तैयार है और अब हम इसको ओवन से निकाल लेंगे. सो नाउ हमारे बेस बाहर हैं एंड वी लेट इट कूल डाउन फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, जिससे ये थोड़े से ठंडे हो जाएं एंड देन वील फ्रॉस्ट देम.
तो अब जब हमारा केक ठंडा हो गया है, हम इसके कॉर्नर्स पे हल्का सा स्पैचुला है उसको घुमाएंगे एंड इसको पलट के निकाल लेंगे। इसके बाद जो उसके ऊपर पेपर लगा हुआ है उसको हटाएंगे। एंड नाउ दिस इज़ रेडी टू बी फ्रॉस्टेड। तो जो हमारा बेस है हम उसको सोकिंग करेंगे विद वाटर एंड शुगर। हल्का सा सोकिंग करने के बाद वील गो अहेड एंड पुट गनाश, एक बड़ा डॉलप गनाश का। विल गो अहेड एंड पुट आवर सेकेंड लेयर ऑन द टॉप एंड इसको दोबारा हम सोकिंग करेंगे एंड पूरे केक पे एक पतली सी कोटिंग करेंगे। एंड एक पतली सी कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए, जिससे ये थोड़ी सी सेट हो जाए एंड देन वील कवर इट विद आवर रोस्टेड आलमंड्स। सो नाउ हमारा केक फ्रिज से बाहर आ गया है एंड इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है बिकॉज एट द एंड वी आर गोना कवर इट विद रोस्टेड आलमंड्स। नाउ दिस इज़ रोस्टेड आलमंड जिसको मैंने अवन में 10 मिनट के लिए रखकर पहले इसको बारीक बारीक काट के रोस्ट किया है। सो अब हम अपने केक को इससे कवर करेंगे। सो पहले हम टॉप पे डालेंगे। बेसिकली आई हैव टू गिव अ थिक लेयर ऑफ द आलमंड क्योंकि ये दिवाली केक है, सो इट हैज़ टू बी स्पेशल नटी एंड फुल ऑफ फ्लेवर। सो वील कवर इट विद लॉट्स ऑफ आलमंड। हम इस तरह पूरे केक को कवर करेंगे। सो आवर रोस्टेड आलमंड केक इज रेडी टू बी इंडल्ज्ड। अ वेरी हैप्पी दिवाली।